बीएड बीएससी पार्ट हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत ही आज अपन अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी क्या होती है, अपना सिलेबस क्या है। सबसे पहले अपन ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो प्लस ग्राफ, जिसमें जियो का अर्थ अपनी पृथ्वी होती है, अपनी भूमि होता है या धरातल होता है, और ग्राफ का अर्थ होता है ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में अपन भूगोल कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो और दूसरा ग्राफ, जिसमें जियो का अर्थ तो क्या होता है, पृथ्वी होती है, भूमि या भू होता है और धरातल होता है, और ग्राफिक का अर्थ क्या होता है, वर्णन होता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी, भूमि या धरातल का वर्णन किया जाता है, क्या कहलाती है, ज्योग्राफी कहती है। ज्योग्राफी जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी, भूमि या धरातल होता है और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, वर्णन होता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी, भूमि या धरातल का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, क्या कहलाती है, ज्योग्राफी कहलाती है। विज्ञान के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, क्योंकि आप संपूर्ण अपन भूगोल के अध्ययन करें तो संपूर्ण भूगोल के जितने भी तत्व हैं ये सारे साइंटिफिक मेथड से जुड़े हुए हैं। कोरियलिस बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, अपनी गैस से हुई, वायुमंडल हुआ, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत। इस ज्योग्राफी की दो शाखाएं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जिसको अपन भौतिक भूगोल कहते हैं, और दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे क्या कहा जाता है, मानव। यानी फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण के तत्व, भौतिक पर्यावरण के तत्व जैसे धुआं, जलवायु, समुद्र, जीव, इन सबका अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और भौतिक पर्यावरण के तत्वों की बात करें तो भौतिक पर्यावरण के तत्वों में जैसे अपन भू आकृति को लेते हैं, और भू आकृति यानी धरातल की आकृति कैसी पाई जाती है, अर्थात अपन पर्वतों का अध्ययन करते हैं, पठारों का अध्ययन करते हैं, समतल मैदानों का अध्ययन करते हैं, घाटी का अध्ययन किया जाता है, इसके साथ में जलवायु का अध्ययन करते हैं। जलवायु में अपन किसका अध्ययन करते हैं, तापमान, पृथ्वी की ऊष्मा बजट का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार का वायुदाब होता है, चक्रवात कैसे आते हैं, प्रति चक्रवात कैसे आते हैं, इसके साथ में समुद्र का अध्ययन करते हैं, कितने महासागर हैं,
उनका तापमान कितना रहता है, उनकी लवणता कैसी होती है, ज्वारभाटा कैसे आता है, इन सब चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है भौतिक भूगोल कहलाता है। दूसरी बात है परिमाण। तो भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाता है, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, मानव भूगोल कहलाती है। मानव जिस क्षेत्र में निवास करता है वो अपने वातावरण के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है, क्यों, क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक भूदर्शी को जन्म देता है। मनुष्य प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है और प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए जिस भूदर्शी को जन्म देता है वो क्या कहलाता है, सांस्कृतिक वातावरण। और मनुष्य परिवहन के साधनों का निर्माण करता है, भवनों का निर्माण करता है, पुलों का निर्माण करता है, ये सारे किसमें आते हैं, सांस्कृतिक वातावरण। तो मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव। अब इसमें जैसे भू आकृति उपशाखाएं होगी, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल, इसके साथ में अपन अध्ययन करते हैं जीआईएस का अध्ययन करते हैं, जीपीएस का अध्ययन करते हैं, जीआईएस जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीपीएस जियोलॉजिकल पोजिशन सिस्टम होता है, इनका भी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया। ऐसे मानव भूगोल में अपन मानव से जुड़े हुए भूगोल का अध्ययन करते हैं, आर्थिक भूगोल आ गया, संसाधन भूगोल आ गया, कृषि भूगोल आ गया, राजनीतिक भूगोल आ गया, आदिवासी भूगोल आ गया, सैन्य भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, संसाधन भूगोल, चिकित्सा भूगोल, तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आ जाता है, मानव भूगोल की उप शाखाओं में आ जाता है। तो इसमें आपके समझ में आ गया भाई भूगोल की दो शाखा, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन किया। भौतिक भूगोल में अपन भू आकृति विज्ञान, अब मैं ये बता दूं ये वाला तो आपके फर्स्ट पेपर है और ये वाला है ये आपके पार्ट सेकंड में चलेगा, अर्थात ये वाला टॉपिक आपके अधीन नहीं चलेगा। तो सिलेबस की बात करें तो आपके दो पेपर हैं, पेपर जो फर्स्ट है वो अपना हो गया भौतिक भूगोल, यानी फिजिकल भूगोल, और दूसरी बात करें अपन पेपर सेकंड ये हो गया राजस्थान का भूगोल, अर्थात राजस्थान जो दो पेपर है फर्स्ट ईयर में, पेपर फर्स्ट कौन सा हो गया भौतिक भूगोल हो गया और पेपर सेकंड कौन सा हो गया राजस्थान का भूगोल। अब अपन नंबर
नंबरों की बात करते हैं, पेपर कितने के नंबर का होगा। एक तरफ अपन लिखते हैं आर्ट्स यानी बी और एक तरफ बी ए में ये वाला जो पेपर होगा पिछहत्तर नंबर का एक ये होगा और पिछहत्तर नंबर का ये होगा, और बीएससी की बात करें तो 50 नंबर का ये होगा और 50 नंबर का ये होगा। अर्थात क्वेश्चन दोनों के समान आते हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और उन 5 क्वेश्चनों का साइंस में एक ही क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो 5 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 50 नंबर। और आज की बात करें तो वही क्वेश्चन 15 नंबर का हो जाएगा, तो इनकी कितने की बुद्धि 75 नंबर के होगी। पेपर दोनों के समान ही आता है, सिलेबस भी समान है, लेकिन आज में वही क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा तो साइंस में वो क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। इसके बाद में 75 और 75 कितने होंगे, 150, और ये इधर कितने होंगे, 100। इसके बाद में तुम्हारी आता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल 50 नंबर का ये बी का होगा और 50 ही बी सी का होगा, अर्थात कुल मिला के 200 का तो बी ए के पेपर हो जाएगा और 150 का किसके हो जाएगा, साइंस वालों के हो जाएगा। तो ये तो थी अपने पेपर पैटर्न की बात। तो दो पेपर लगेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कौन सा है, अपना फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल है, और पेपर सेकंड कौन सा है, राजस्थान ज्योग्राफी। आज में ये वाले पेपर 75-75 नंबर के होंगे और साइंस में ये वाले पेपर कितने नंबर के होंगे, 50-50 नंबर के, प्लस 50 नंबर का क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। अब अपन सिलेबस की बात करते हैं, अपन जो शुभारंभ करने जा रहे हैं वो शुभारंभ सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, और ये अपना कौन सा है, फर्स्ट पेपर। इस पेपर के 3 सेक्शन हैं, सेक्शन सेक्शन बी और सेक्शन सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में अपन अध्ययन करेंगे भू आकृति विधि, सेक्शन बी की बात करें तो अपन अध्ययन करेंगे जलवायु विधि, सेक्शन सी में समुद्र विज्ञान और जीव भूगोल का। तो 3 सेक्शन हो गए अपने, सेक्शन ए भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, सेक्शन बी में जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे, और सेक्शन सी में अपन किसका अध्ययन करेंगे, समुद्र विज्ञान और जीव भूगोल का अध्ययन। अब सेक्शन ए में अपन भू आकृति विज्ञान शुरुआत यही से करेंगे, तो इसमें अपन अध्ययन करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने आ रही हैं, चट्टानों के साथ में वेगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत आ जाएगा, भू संतुलन
अपर्दन आ जाएगी, नदी पवन हिमान इनकी अपर्दनात्मक अनिश्चितता। स्थल रूप उपाध्याय है तो सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में अपन पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, चट्टानों का अध्ययन करेंगे, आग्नेय अवसादी और कार्यान्वित का अध्ययन करेंगे, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ था इन चीजों का अध्ययन करेंगे, भू संतुलन धरातलीय भाग में संतुलन कैसे पाया जाता है क्योंकि कहीं तो पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर पठार पाए जाते हैं, कहीं पर मैदान पाए जाते हैं, सब में संतुलन कैसे पाए जाते हैं, अपक्षी का अध्ययन करेंगे, अपर्दन का अध्ययन करेंगे जिसमें नदी पवन और हिमालय इनकी अपर्दनात्मक और निक्षेपनात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। ये तो था सेक्शन, इसके बाद में आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी कौन सा है, जलवायु, इसमें अपन अध्ययन करेंगे, वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, वायुमंडल के साथ में पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन, वायुमंडल के तापमान का अध्ययन करेंगे, इसके साथ में वायु दाब का अध्ययन करेंगे, वायु राशियां बादलों के प्रकार चक्रवात का अध्ययन करेंगे, प्रति चक्रवात का अध्ययन करेंगे और कोपेन और थानवेल के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन। यानी सेक्शन बी में अपन किसका अध्ययन करेंगे, वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से तापमान आता है और ये वाला तापमान कहाँ रुकता है, कहाँ चला जाता है, वायुमंडल के तापमान का अध्ययन करेंगे, कैसे वायुमंडल गर्म होता है, कहीं पर तापमान अधिक होता है, कहीं पर तापमान कम होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है, वायुदाब का अध्ययन करेंगे, वायु राशियों का अध्ययन करेंगे, बादलों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, चक्रवात प्रति चक्रवात कोपेन और थानवेल के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन। तो ये वाला अपना आ जाएगा सेक्शन बी में आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी यानी अपना कौन सा हो जाएगा, समुद्र विज्ञान और जीव विज्ञान सेक्शन सी हो। और इसमें अपन बात करें तो अपन महासागरीय मंडल की उच्चावच का अध्ययन करेंगे, उच्चावच महासागरीय तापमान का अध्ययन करेंगे, लवणता का अध्ययन करेंगे, जल धाराओं का अध्ययन करेंगे, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा, इसके साथ में ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे, जीव तंत्र का अध्ययन करेंगे, वायु का अध्ययन करेंगे और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन। और इसके साथ में प्रवाल भूमि का अध्ययन, ये वही आ जाती है अपने सेक्शन सी में आ जाए, अर्थात महासागरीय निकल पहले के निकल ऊंचावन किस प्रकार पाया जाता है।
महासा के क्षेत्र के तापमान का अध्ययन करेंगे, उसकी लवणता का अध्ययन करेंगे, जल धाराओं का अध्ययन करेंगे, जवार भट्ट का, देवतंत्र, वायु और पारिस्थितिक तंत्र तथा प्रवाल की गुफा देखना। ये तो अपना था पृष्ठभूमि का सिलेबस। तो आज अपन ने बात की भूगोल के सामान्य परिचय प्लस भूगोल के सिलेबस। कल सबसे पहले अपन अपना नया टॉपिक चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।